आईफोन 15 पाकिस्तान में है तो एक कलर के बिना पे एक एक लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जो इसकी रियल प्राइस है, रियल प्राइस से 1.5 से 2 लाख तो वैसे ही एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। मोबाइल फोन सच में सस्ते हो गए हैं या फिर सस्ते होने वाले हैं? साथ में आईफोन 15 प्रो जो पाकिस्तान में इस टाइम प्राइस टैग जा रही है, क्या वो भी सस्ते होने वाले हैं? तो ये सब कुछ डिटेल बताऊंगा मैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो एंड्रॉइड मोबाइल की बात कर लेते हैं यार। तो एंड्रॉइड जी बिल्कुल सस्ते होने वाले हैं। लाइक इन्फिनिक्स के जो मोबाइल न्यू आए हैं, इन्फिनिक्स की नोट सीरीज जो है, 30 सीरीज जो है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रही थी पाकिस्तान में, जिस वजह से प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा इस पर मैंने वीडियोज भी बनाई हैं। नोट 30 जो सिंपल है वो पाकिस्तान में 60 to 65,000 सेल हो रहा था। नोट 30 प्रो जो है वो 80 के अराउंड सेल हो रहा था। नोट 30 VIP तो अभी लॉन्च हुआ है। खैर, तो अब इनकी प्राइस टैग रियल में क्या आ रही है? नोट 30 जो है मार्केट से जो मैंने पता किया वो अभी 54 अराउंड बिक रहा है, तो मतलब 53-54 के आसपास आ चुकी है इसकी प्राइस। और नोट 30 प्रो जो है कहीं ना कहीं ये भी उसकी प्राइस टैग में बिक रहा है, अभी भी 60 प्लस ही बिक रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ ना कुछ मतलब के डाउन ज़रूर है मार्केट मोबाइल्स की, जो है एकदम से कहें कि आसमान से ज़मीन पर आ चुकी हैं, चाहे वो आईफोन हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, जो भी हैं, जितने मोबाइल भी हैं ना, अगर कोई मोबाइल है इन्फिनिक्स का हो, रियलमी का हो, जो भी मोबाइल है, अगर वो 35,000 का था, वो वापस 28-25,000 तक आ चुका है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज ने देखा यार कि ये सीन तो बड़ा ख़राब जा रहे हैं, ऊपर से टैक्स वगैरह भी थोड़े बहुत कम हुए हैं, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें जो हैं वो डाउन है। अब जिस वजह से आईफोन 15 पाकिस्तान में है तो एक कलर के बिना पे एक एक लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जो इसकी रियल प्राइस है, रियल प्राइस से 1.5 से 2 लाख तो वैसे ही एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। अगर तो एक कस्टमर को लाइक ब्लू कलर है वो चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है, तो वो उससे बोलेगा शॉपकीपर से, यार मुझे ये कलर चाहिए, जो शॉप वाला है वो बोलेगा 1 लाख रुपये और लगेगा इसके कलर पर। और हालांकि उनके पास खुद के स्टॉक पड़े होते हैं, मतलब अजीब सा है कि 1 to 1.5-2 लाख रुपए मिनिमम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं यार पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि पाकिस्तान में तो आईफोन की कोई ऑफिशियल मार्केट वगैरह तो है नहीं है, बट जो है लोकल सेलर्स जो हैं, जो कि जहां से भी लेकर आ रहे हैं, तो उनकी सत्यानाश हुई वे कीमतों की। खैर, ये आईफोन जो है भी 1 लाख रुपये जो है वो तकरीबन डाउन गया, क्योंकि यार लोग जो हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बाय नहीं कर रहे थे, दैट्स द रीज़न। कुछ एंड्रॉयड के मोबाइल के जो टैक्स वगैरह हुए हैं, छूट मिली है, वो तो ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, तो आईफोन भी लोग ना ख़रीद के, बहुत अच्छी बात है जो कि लोगों ने ना ख़रीदा, और ना ख़रीदने की वजह से जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स की प्राइस हैं वो भी नीचे आई हैं, क्योंकि डॉलर भी पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तो नहीं, मतलब थोड़ा नीचे आया है, मैं भी इसकी वजह से भी थोड़ा हो सकता है। लेकिन पेट्रोल की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ वो भी ऊपर नीचे लाइक 30 रुपीज़ महंगे होते हैं, 8 रुपये 7 रुपये सस्ता कर देते हैं, ये इस तरह से चल रहा है मार्केट में, मतलब मजाक चल रहा है मार्केट में। खैर, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन खुशखबरी की बात यह कि मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में मोबाइल फ़ोन जो हैं वो वाकई ही सस्ते हो चुके हैं। मैं मार्केट गया, ठीक है, आज नहीं गया, कल गया, परसों गया, तरसों गया, मतलब रेगुलरली मैं जाके पता करता रहूँ कि हाँ भाई क्या चल रही है प्राइस, तो बोलते हैं वाकई ही सस्ते हो रहे हैं, और मज़ीद और जो है ये मे बी डाउन हो सकते हैं। लाइक प्रीवियस दो, आज से 1.5-2 साल पहले जो प्राइसेस चल रही थी, मे बी यहाँ ये प्राइसेस वहाँ तक पहुँच जाएँ, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अपना मोबाइल फ़ोन चेंज नहीं किया, लाइक मैं इन्फिनिक्स का नोट 30 पहले कैमन लेना चाह रहा था, कैमन 20 जो है, उसके अलावा उसके बाद फिर ये नोट 30 की सीरीज जो है रिलीज़ हुई, तो इसकी तरफ मेरा माइंड बना, लेकिन इस ओवर प्राइजिंग की वजह से मैंने अभी तक अपना मोबाइल जो है वो चेंज नहीं किया, वही इन्फिनिक्स का नोट 11 है। इसमें यार क्यों हम लोग ओवर प्राइजिंग दें? अगर एक मोबाइल फ़ोन की प्राइस जो है वो 53,000 रुपीज़ है, तो हम उसको क्यों जो है वो एक्स्ट्रा पे करें? तो बस यही कोई सीन चल रहे हैं यार पाकिस्तान में। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं इनको थोड़ा बहुत अक्कल आया है, लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वही बात है, वो तो परचेस कर ही रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मोबाइल सेल्स जो कि 90% सेल्स अगर थी, तो वो वापस 70-50% पे आ चुकी हैं, इसलिए कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। टेक्नो का वो सबसे एक लोकल मोबाइल आता था लाइक 7,000 रुपीज़ का, वो भी 16,000 रुपये क्रॉस कर चुका था आज से 2 महीने पहले, तो ये तो मार्केट के हाल चल रहे थे। तो खैर, खुशखबरी है भाई लोग, तो अभी मैं भी और भी नीचे डाउन जा सकता है। तो अब मोबाइल फ़ोन्स की जो प्राइस टैग है
और भी डाउन जा सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और वेट आप कर लें। मेरा ख्याल है आप मिड ऑफ दिस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है तब तक वेट कर लीजिए, मे बी और प्राइस जो है वो नीचे आ जाएं, जिसकी वजह से आप फिर जाएं मार्केट में, जो भी मोबाइल आपने लेना हो परचेज करें और मैं भी अपना जो मोबाइल है मैं चेंज करूं और न्यू वन बाय कर सकता हूं। होप सो कि बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।